हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एप्पल का लैपटॉप आया है, एप्पल मैकबुक प्रो A1502 मॉडल। हम कहां से देखेंगे, बॉटम पे हम जाएंगे, बॉटम पे यहां पे इसका मॉडल नंबर लिखा रहता है जहां पे ये मैकबुक प्रो होता है। तो ये हमारे पास मशीन है A1502। प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। उससे पहले भी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई इसमें A1502 मॉडल कैसा होता है एप्पल का। ये 1502 मॉडल होता है, 14 इंच में मशीन होती है ये, रेटिना डिस्प्ले होता है इसमें, आगे गिलास लगा होता है, स्क्रीन का आगे गिलास होता है इसमें। और यदि हम बात करें परफॉर्मेंस की या कॉन्फ़िगरेशन की, तो i5 में ये मशीन होती है, 8GB रैम होती है, और 256GB में भी ये मशीन आई है, और 128 में भी आई है। जो हमारे पास है ये 128 में है मशीन, ये 256 में भी आती है मशीन, किसी कोई जो कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाती है तो उसमें ये 256GB SSD में भी आई है। परफॉर्मेंस वाइज यदि हम बात करें इसमें कि भाई क्या क्या होता है इसमें, आप देखोगे ये दो थंडरबोल्ट होते हैं, ऑडियो जैक होता है, एक USB इधर होता है, एक USB इधर होता है, दो USB के साथ है, HDMI पोर्ट है। और परफॉर्मेंस वाइज भी ये अच्छी मशीन होती है, बड़ी अच्छी स्पीड की, स्पीड वगैरह तो इसकी अच्छी होती है। और लाइफ वाइज हम यदि बात करें तो लाइफ वाइज भी ये मशीन A1502 भी अच्छी होती है, 1466 भी आपकी मशीन अच्छी होती है। दोनों कंपेरिजन करें तो दोनों इक्वल ही होती है, परफॉर्मेंस वाइज में भी और लाइफ वाइज में भी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम की हम यदि बात करते हैं तो प्रॉब्लम हमारी बैटरी में है इसमें, कि हमारी मशीन बैटरी पे ऑन नहीं होती है। यदि हम चार्जर के बिना इसको ऑन करें तो हमारी मशीन ऑन नहीं होती है। हम चार्जर लगा के ऑन करते हैं, चार्जर लगाने पे हमारी मशीन ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब या तो बैटरी खराब है हमारी, 90% बैटरी का चांस होता है, और 10% बोर्ड की भी दिक्कत एप्पल में आती है जब हमारी मशीन बैटरी पे ऑन नहीं होती है। तो हम बैटरी वगैरह की बात करें, 10 साल पुरानी मशीन है तो ओरिजिनली इसी बैटरी लगी हुई है, फर्स्ट टाइम इसकी बैटरी चेंज हो रही है। तो बैटरी बैकअप की भी यदि हम इसमें बात करें तो 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप इस मशीन में होता है, जब नहीं आई थी उस टाइम पे 8 से 10 घंटे का बैकअप देती है। अब जो बैटरी लगेगी, कोई भी यदि हम बाहर से बैटरी लगाते हैं तो उसमें बैकअप कम रह जाता है, 4 से 5 घंटे का बैकअप रहता है इसमें। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये मशीन चल रही है अभी, तो इसको चला के हम देखते हैं कि और तो सब कुछ ओके है, बस वही हमारा बैटरी बैकअप नहीं होता है। जब चार्जर निकालते हैं तो हमारी मशीन बंद हो जाती है, वही हम आपको दिखाएंगे अभी लाइव इस वीडियो में कि भाई ये क्या प्रॉब्लम होती है। और बैटरी की यदि हम बात करें तो एप्पल की बैटरी जो मिलती है OEM वगैरह ही मिलती है, ओरिजिनल वगैरह पुराने मॉडल की नहीं मिलती है। जैसा 1990 है, जो आजकल के लेटेस्ट लैपटॉप हैं उनमें ये बैटरी मिल जाती है ओरिजिनल। तो ये हम आप देखोगे यहाँ पे बैटरी का प्राइस, ये बैटरी जो दिखा रहा है 0% बैटरी दिखा रहा है, बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है हमारा, बैटरी पे 0% ही आता है। और हम चार्जर निकाल देते हैं तो हमारी मशीन एकदम बंद हो जाती है। तो हम खोल के चेक करते हैं कि किस चीज में प्रॉब्लम है। तो हम खोलते हैं अपनी मशीन को। स्क्रू बड़े महंगे होते हैं, स्क्रू ध्यान से रखना चाहिए, एप्पल का स्क्रू बहुत महंगा मिलता है। यदि हम पूरे सेट की बात करें एप्पल के स्क्रू की, तो 700-800 रुपए का पूरा सेट आता है एक स्क्रू का, जैसे जिसमें ये आपके 10 स्क्रू लगते हैं, 8 से 10 स्क्रू लगते हैं। तो हमने पहले इसके स्क्रू ये खोले हुए हैं, ये पूरे स्क्रू के हमने खोल लिए हैं। स्क्रू खोलने के बाद हम देखते हैं वो क्या कंडीशन हमारी मशीन की हो रखी है। देखो कितनी बुरी हालात हो रखी है मशीन की, धूल ही धूल हो रखी है। तो हो सकता है हमारी बैटरी में भी प्रॉब्लम हो सकता है हमारे मदरबोर्ड, जिस कंडीशन हो रखी है तो बैटरी में भी, मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप हालत देखोगे, धूल मिट्टी कितनी जबरदस्त हो रखी है। हम सजेस्ट करते हैं आपको, यदि आप यूजर हैं, एक लैपटॉप यूजर हैं, तो अपने लैपटॉप की सर्विस टाइमली कराते रहें, जैसा आपका एरिया है उस हिसाब से। धूल मिट्टी का ज्यादा है तो 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में करा ले। यदि कम धूल मिट्टी वगैरह का एरिया है आपका, तो उसमें आप 2 साल में, 1 साल में जरूर सर्विस जरूर कराएं। ऐसा ना समझे कि हम लैपटॉप क्यों खुलवाएं, ये मत समझो आप कि हमें लैपटॉप कैसे खुलवाना है, नहीं ये नहीं करना। आप लैपटॉप खुलवाओ, लैपटॉप खुलवा के उसकी सर्विस कराओ, क्योंकि क्या होता है जहां धूल मिट्टी लैपटॉप में घुस जाती है, हमारे मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं, और हमारी किस और चीज भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, हीटिंग वगैरह की वजह से हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो हम अब इसकी बैटरी चेंज करके एक बार देखते हैं। पहला स्टेप यही होता है हमें, ये देखो आप, ये हमारी बैटरी इस साइड से यदि देखोगे प्लेन है, और ये वाला सेल यदि हम ये वाला हिस्सा देखते हैं तो ये हमारा फूला हुआ है। तो हमें डाउट जो जा रहा है वो बैटरी पे ही जा रहा है। हम इसकी बैटरी चेंज करके देखते हैं एक बार कि बैटरी चेंज करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती है। वैसे ये 99% हमें लग रहा है बैटरी की वजह से ही है इसमें ये प्रॉब्लम जो आ रही है, क्योंकि आप ये वाला हिस्सा देखोगे तो हमारा प्लेन है और ये वाला हिस्सा हमारा थोड़ा सा फूला हुआ है।
तो देखते हैं हम बैटरी चेंज करते हैं। हम बैटरी खोलने की बात करें, यहाँ पे इसका कनेक्टर होता है, जिस कनेक्टर या इस टाइप का कनेक्टर लगता है, ये कनेक्टर हम हटा लिए हैं। अब इसमें हम यंके ही दूसरी देखेंगे लगा के बैटरी 1% ये ना हो, क्योंकि ये बैटरी जो होती है पेस्टिंग होती है, बहुत खतरनाक तरीके से पेस्ट होती है। तो हम इसमें एक बार दूसरी बैटरी लगा के देख लेते हैं कि हमारी बैटरी की प्रॉब्लम है, तो फिर हम इसमें बैटरी चेंज कर देंगे। तो ये आप देखोगे हमारी बैटरी इसमें नई OEM बैटरी है, तो ये हम लगाते हैं इसमें, लगा के एक बार चेक करते हैं। अभी हम बाहर से करेंगे चेक, अभी फिट नहीं करेंगे इस बैटरी को। हमारी मशीन ऑन हुई है, थोड़ा हम इस हिसाब से दिखा रहे हैं क्योंकि हम इसको पकड़े हुए हैं अभी बैटरी को, बैटरी पेस्टिंग नहीं हुई है। अभी ऑन करने के बाद देखते हैं हमारी बैटरी कुछ परसेंटेज शो करता है या नहीं करता है। 2% हुई है, हम थोड़ा चार्ज करके देखते हैं कि ये होल्ड लेगी या नहीं लेगी। यदि आपके पास भी कोई लैपटॉप हो जिसमें बैटरी एप्पल का कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं सूरज कंप्यूटर्स, तो आपको कुछ भी चाहिए, बैटरी, स्क्रीन, कीबोर्ड, मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, तो सूरज कंप्यूटर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप देखोगे अब हमारी बैटरी का परसेंटेज बढ़ रहा है, 3% हो गई है। पहले हमारी बैटरी का परसेंटेज नहीं बढ़ता था इस वजह से कि हमारी बैटरी में प्रॉब्लम थी, अब हमने बैटरी चेंज करा तो ये हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है, 0% से ये 3 पे आ गया है। अब मैं 1% और आपको इसी वीडियो से इसी में लगातार बढ़ाते हुए दिखाना चाह रहा हूँ। पहले तो ये 0% ही रहता था हमारा बैटरी, 3% पे। मैं इसको चार्ज करके एक बार एक सेकंड का होल्ड भी देखेंगे कि ये होल्ड ले रही है या नहीं ले रही है। ये आप देखोगे अब हमारी बैटरी 4% हो गई है, तो यानी बैटरी चार्ज तो हो रही है। अब हम देखते हैं कि हमारी बैटरी होल्ड भी ले रही है या नहीं ले रही है, तो हम ये अनप्लग करते हैं। हमारा आप देखोगे मशीन बिल्कुल ऑन है, हमारे चार्जर इसको डिसेबल कर दिया है, तो हमारी बैटरी में ही प्रॉब्लम थी, ये हमने इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अधिक जानकारी के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।